would like to invite Fahad from 7th Charlie for jokes. बीवी अपने शौहर से कहती है, तुम मुझे दो ऐसी बातें बताओ, एक से मुझे गुस्सा है और एक से मैं नाराज हो जाऊं। शौहर, तुम मेरी जिंदगी हो। बीवी, आप दूसरी बात बताओ। शौहर, लाना कैसी जिंदगी पर। बेटा अपने बाप से कहता है, क्या आप अंधेरे में लिख सकते हैं। बाप, क्यों नहीं। बेटा, फिर मेरे पेपर वाले कागज पर दस्तखत कर के दिखाएं। Class for girls from class 9th Bravo. एक सरदार दर्द पर चढ़ जाता है। दर्द पर बैठा बल्ला सरदार से पूछता है कि यहाँ क्यों आए हो। सरदार कहता है कि मैं सेब खाने के लिए आया हूँ। तो बल्ला बोलता है कि ये तो आम का दरख्त है। तो सरदार कहता है, कर दीना जानवरों वाली बात, मैं सेब साथ में ही लाया हूँ। गुड मॉर्निंग। और मैम साहब, मेरे को इस इंग्लिश की समझ नहीं आती, उर्दू में बताओ। गुड का मतलब अच्छा। अच्छा अच्छा। मॉर्निंग का मतलब सुबह सुबह, इतना पता है। अच्छा ठीक है। आज मैंने जाना है शॉपिंग करने। क्या करने? शॉपिंग करने। अच्छा ठीक है, ठीक है। अच्छा, मेरे आएंगे मेहमान। कौन आएंगे? मेहमान। उन्हें सबसे पहले तुमने कहा गुड मॉर्निंग। मैडम, खुदा का कसम, हमको इस बात से नफरत है, मैं मारने लग जाऊंगा। अच्छा अच्छा अच्छा। उन्हें कहना गुड मॉर्निंग। ठीक है। उसके बाद उन्हें कहना है कि मैम गई हुई है शॉपिंग करने। क्या? शॉपिंग करने। ठीक है। उसके बाद उन्हें जोन सा है बताना है मैं कितनी पढ़ी हुई हूँ। ठीक है। अभी मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ। जाइए। वो कौन है तुम लोग? मेहमान। मेहमान। अच्छा ठीक है। बैठो। मैम साहब किधर हैं? मैम साहब किधर हैं? शॉपर चुनने गई हैं। इतने बड़े घराने की औरत शॉपर चुनने गई है? होगी घटिया। उन्होंने हमें खुद बताया था, वो शॉपर चुने गई हैं। अच्छा, पहले सलाम कर। अस्सलामुअलैकुम। सलाम खान, आप क्या कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग। क्या कहा? गुड मॉर्निंग। वो एक कसम है खुदा का, मैं मान ले जाऊंगा, चुप करके बैठो। अच्छा ये तो बताओ मैम है कहाँ? शॉपर चुने बताया तो है। घटी औरत। चुप कर जा, गतन कर दूंगा। तेरी मैम पढ़ी हुई कितनी है? वो तो बड़े दावे करती थी कि वो एमए पास है। उसे आने तो दो, हम बाद में आएंगे। चलो निकल, थोड़े आए, बाद में आएंगे सारे। आए बड़े मेहमान। वो मेम साहब, बैठो। मैं शॉपिंग करके आई हूँ। तो कोई बात नहीं मेम साहब, कोई बात। मेहमान आए थे? आए थे। चक्कर लेके बाहर निकाल। क्यों निकाला उनको? बहुत बदतमीज है। क्यों? वो है, उन्हें बताया था कि मैम खा गई हुई है। बताया था, वो हैरान भी हुए थे। मैंने कहा था मैम साहब शॉपर चुनने गई है। शॉपिंग करने गई थी मैं। वो एक ही बात है। एक बात नहीं है। अच्छा ठीक है। अच्छा, उन्हें मेरी तालीम के बारे में बताया था? वो बताया था। मैंने कहा था मैम साहब एमए पास है। एमए पास नहीं हूँ, एमए पास हूँ। वो एक ही बात है। एक बात नहीं है। अच्छा ठीक है। निकल जाओ इस घर से। कैसे जाओ, अभी तो मैंने खाना पकाना है। अच्छा बैठ के इधर आओ। गुलखान जी, जाओ चाय पका के लेकर आओ इनके लिए। तो मैं जहर लाऊंगा, फिर आ गए हो। क्यों, उसने क्या कहा तुम्हें? हम बलोची, हम पंजाबी, हम पठान, हम एक परचम के नीचे पाक फौज के जवान, हम पाकिस्तान पाकिस्तान तुझ पर कुर्बान, हम पाकिस्तान पाकिस्तान।
छुट्टी नहीं मिलेगी ना कटागिन छुट्टी हो सारा अगर खड़े हो स्ट्रेट सीधे तू ज्यादा गाने नहीं गा रहा था जवाब दे झूठ बोल दे नहीं सर मैं कह रहा हूँ तू गाने गा रहा था नहीं सर तेरे से मैं बाद में ले पढ़ लेता हूँ तूने मेरी तरह होशियार करना है यस सर होशियार होशियार मेरी तरह होशियार कर मैं कह रहा हूँ लंबा हो लंबा होशियार होशियार लंबा कर और ज्यादा लंबा होशियार हो ये क्या कर रहा क्या मैं करूँ यहाँ पे पीछे यहाँ पे खड़े हो ओ लड़के को मार दे रुक 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 पीछे आओ फिर जल्दी जाओ यहाँ पे यहीं पर खड़ा है मेरी तरफ देख मेरी तरफ देख मेरी तरफ नीचे ऊपर नहीं मेरी तरफ देख मैं तुझे क्या कह रहा हूं मेरी तरफ ऊपर देख थोड़ा सा नीचे पोजीशन चेंज तुमने मेरी तरफ झूठ मारना है यस सर यस सर होशियार खड़े हो
performance. Now we'd like to invite eight brothers for interview. मुसलमानों ने मुत्तहिदा हिंदुस्तान पर 650 साल तक इज्जत और वकार से हुकूमत की। खानदाने उलामा सादात, तुगलक, खिलजी और मुगलिया खानदानों के अजीम हुक्मरानों ने हिंदुस्तान को पुरवकार मुल्क बना दिया, लेकिन मुगल हुक्मरानों के दौर में हुकूमत कमजोर से कमजोर हो गई। इस खानदान के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर तख्त पर जलवा अफरोज हैं। आइए देखते हैं वो क्या गुल खिलाते हैं। ए, मैंने तुम्हें काम कहा था। पशा सलामत लाया तो हूँ। ऐसी जूती लाते हैं? पशा सलामत मस्जिद से इसी तरह की जूती मिलती है। पशा सलामत जान के मान पाओ तो कुछ कहो। बोलो। पशा सलामत दो कैदियों का फैसला करना है। उनको हाजिर किया जाए। पेश करो। पहला कैदी हाजिर हो। लेफ्ट कीजिएगा। पशा सलामत। बादशाह सलामत तो सो गए। बादशाह सलामत अपने आप पर काबू कीजिए। बादशाह सलामत हाजिर है। अच्छा, इसने अंडा चुराया है। कल किसी और के घर चोरी करेगा और परसों हमारे खजाने में हाथ डालेगा। इसे फांसी दे दो। बादशाह सलामत, उसने सिर्फ अंडा चुराया था, किसी का कत्ल तो नहीं किया। चुप रहो तुम। दूसरा कैदी हाजिर हो। बादशाह सलामत माफ कर दिए। बादशाह सलामत तो सो गए। बादशाह सलामत अपने आप पर काबू कीजिए। बादशाह सलामत कैदी हाजिर है। बादशाह सलामत माफ कर दीजिए। बादशाह सलामत इसका क्या जुर्म है? बादशाह सलामत, इस जालिम ने अपने भाई को कत्ल कर दिया। ओ, इसने कत्ल किया है, फिर तो बहुत बहादुर हुआ। इसे रिहा कर दिया जाए और हमारी फौज में भर्ती कर दिया जाए। शुक्रिया। वाह बादशाह सलामत, वाह, क्या इंसाफ किया है आपने। कत्ल करने वाले को रिहा कर दिया और न चुराने वाले को कत्ल कर दिया। अद्दा दोस्ता, पहले भी मैंने तुम्हें रोका है, बादशाहों के फैसले तनकीद करते हो। चुप रहो। बादशाह सलामत जान के आता हूँ तो कुछ कहूँ। बोलो। बादशाह सलामत, अंग्रेज की फौज दिल्ली में दाखिल हो चुकी है। हमें उसकी कोई फिक्र नहीं। बादशाह सलामत, जान के मान पाओ तो कुछ कहूँ। बोलो। बादशाह सलामत, आप थक गए होंगे, हम गाना सुनते हैं। ठीक है, बुलाओ। गाने वाले हाजिर हो। गाने वाले तो नहीं आए, दोबारा बुलाओ। गाने वाले हाजिर हो। बादशाह सलामत, गाने वाले नहीं आए। बादशाह सलामत, जान के मान पाऊँ तो कुछ कहूँ। बोलो। बादशाह सलामत, अंग्रेज की फौज किले में दाखिल हो चुकी है, गाने वाले भी रुक गए होंगे। अच्छा, तुम मुझे डराते हो। हमें उसकी कोई फिक्र नहीं, हमारी बहादुर फौजें उन्हें संभाल लेंगी। कोई बात नहीं बादशाह सलामत, हम कल गाना सुन लेंगे। बादशाह सलामत, कल तक आपका तसरात आप गाना सुनेंगे। तुम अपना मुंह बंद रखो। तो अच्छा, बहुत
कितना बद नसीब है जफर के दफन के लिए दो गज जमीन भी न मिली कुए यार में। इस तरह हिंदुस्तान में मुसलमानों के इक्तदार का हमेशा के लिए खात्मा हो गया। बहादुर शाह जफर को कैद कर दिया गया और उसके बेटों को मार दिया गया और फिरंगी सात समंदर से पार आकर हिंदुस्तान पर काबिज हो गए। Hey, who are you? मैं यहाँ का वजीर हूँ, तुम कहाँ निकल जाओ यहाँ से। I'm Viceroy. And who are you? बादशाह सलामत, मैं यहाँ का वजीर हूँ। Welcome, welcome. आप हमारे किंग हैं बादशाह सलामत। Good वजीर। Thank you बादशाह सलामत। आप बादशाह सलामत, आपके लिए तोहफा लाया जाए। पेश किया जाए। तोहफे मोलो हल्लो। Hey, what's this? It's dud. What's dud? It's come from Maj. Oh no, what's Maj? Maj is the mother of Kata. And what's Kata? Kata is the son of Sata. It's not good. I don't drink. Oh no. Pakistan ka matlab kya? La ilaha illallah. Pakistan ka matlab kya? La ilaha illallah. Hey, what's this? Ye kin ki awaaz hai? Ye musalmanon ki awaaz hai jinko tumne is mulk se nikal diya tha. अब वापस आ चुके हैं, तुमसे बदल लेंगे, अब तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। दो कौमी नजरिया की बुनियाद पर हिंदुस्तान दो हिस्सों में तकसीम हो गया। हिंदुओं का मुल्क हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मुल्क पाकिस्तान हो गया। सबको मुबारक हो कि आज हम आजाद हैं और कयामत तक इंशाल्लाह आजाद रहेंगे। हाथों में अपने लेके हाथ चल पड़े हैं सबके साथ मंजिल पे ना कोई घुमा सिंधी हम बलोची हम सिंधी हम बलोची हम पंजाबी हम पठान हम परचम के नीचे पाक फौज के जवान हम पाकिस्तान पाकिस्तान तुझ पर कुर्बान हम पाकिस्तान पाकिस्तान तुझ पर कुर्बान हम करें तलवारों पर तलवारों पर हम डाले हाथ सितारों पर हम रक्त करें तलवारों पर तलवारों पर हम की ठंडी शबनम हमसे जंग में खड़ी कमान हम परचम के नीचे पाक फौज के जवान हम पाकिस्तान 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 तुझ पर कुर्बान हम चट्टानों के हम चश्मे को हस्तानों के हम बेटे सप्त चट्टानों के सप्त चट्टानों के लहरें हैं अपनी नहरों की खेतों के खलियान हम परचम के नीचे पाक फौज के जवान हम पाकिस्तान पाकिस्तान तुझ पर कुर्बान हम पाकिस्तान पाकिस्तान तुझ पर कुर्बान हम
अली के पास। उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काफिर उमराह की दरो दीवार हिला दो। वही लोग पाते हैं इज्जत ज्यादा, वही लोग पाते हैं इज्जत ज्यादा जो करते हैं दुनिया में मेहनत ज्यादा। हक पे डटा रहा हूँ बादल से पूछ लो, हक पे डटा रहा हूँ बादल से पूछ लो, सजदे में सिर कटाया कातिल से पूछ लो। वही है साहिब अमरोज जिसने अपनी हिकमत से, वही है साहिब अमरोज जिसने अपनी हिकमत से जमाने के समुंदर से निकाला गौहरे फरदा। एक वलवला ताजा दिया मैंने दिलों को, एक वलवला ताजा दिया मैंने दिलों को, लाहौर से ताखाक बुखारा और समरकंद। दुनिया की बुतकतों में पहला वो घर खुदा का, दुनिया के बुतकतों में पहला वो घर खुदा का, हम उसके पास बा है वो पास बा हमारा। एक सब में खड़े हो गए महमूद और यास, एक सब में खड़े हो गए महमूद और यास, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। जमीन से आसमां की तरफ परवाज करता हूँ, जमीन से आसमां की तरफ परवाज करता हूँ, मैं अल्लाह के नाम से अपनी शायरी का आगाज करता हूँ। न दुनिया से न दौलत से न घर आबाद करने से, न दुनिया से न दौलत से न घर आबाद करने से, तसल्ली दिल को होती है खुदा को याद करने से। ये फैजान नजर था ये मकतब की करामत थी, ये फैजान नजर था ये मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को अदाब फर्जंदी। यूं तो सैयद भी हो मिर्जा भी हो अफगान भी हो, यूं तो ये सैयद भी हो मिर्जा भी हो अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ तो सही मुसलमान भी हो। वो बिजली का कड़का थे आसो तिहादी, वो बिजली का कड़का थे आसो तिहादी, अरब की जमीन जिसने सारी हिला दी, रहा डर न बेड़े का मौजे बला का, रहा डर न बेड़े का मौजे बला का, इधर से उधर फिर गया रो हवा का। अमीर हूँ गरीब हूँ बादशाह हूँ वजीर हूँ, अमीर हूँ गरीब हूँ बादशाह हूँ वजीर हूँ, दर मुस्तफा मेरी सल्तनत उसी सल्तनत का मैं वजीर हूँ। हम टाइम की किल्लत की वजह से ये मुकाबला मजीद कंटिन्यू नहीं कर सकते, दोनों टीमों ने बहुत म्यारी इशार पढ़े, लिहाजा क्लैप फॉर बोथ टीम। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट सेवंथ ब्रेवो फॉर ड्रामा मीटरिंग ऑफिसर। हाथ सितारों पर, सितारों पर हम रक्स करें, तलवारों पर, तलवारों पर हम डाले हाथ, सितारों पर, सितारों पर हम रक्स करें, तलवारों पर, तलवारों पर हम की ठंडी शब्दों पर। ड्रामा स्कूल नर्सरी। स्कूल नर्सरी, चलो देखते हैं, मरे पौधे लेने।
हाँ भाई, यहाँ का मालिक कौन है? मैं हूँ सर जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे पौधे दिखाओ। पौधे? जी बिल्कुल। पौधे तो हमारे पास बेशुमार हैं। अच्छा, आपको कौन से पौधे चाहिए? मुझे खास किस्म के पौधे दिखाओ। आइए देखते हैं। ये पहला पौधा। ये कौन सा पौधा है? ये टरखाने वाला। टरखाने वाला पौधा? ये कौन सा पौधा है? ये हर वक्त टरखाता रहता है। अच्छा, ओवर नहीं करता। अच्छा, ये कैसा पौधा है? ये बहाने बनाता रहता है, कहता है मेरे पास रेजर नहीं है, पेंसिल नहीं है, शार्पनर नहीं है। अच्छा, टीचर के साथ भी, टीचर को भी टरखा देता है। अच्छा, इतना करता है? मैं नहीं लूंगा, बिल्कुल नहीं लूंगा, हर किसी लूंगा। फिर आप अगला देखे, इतने जो पड़े। अच्छा, ये सुस्त पौधा। सुस्त पौधा? ये कैसा पौधा है? ये हर वक्त सोया रहता है। सोया रहता है? टीचर लेक्चर देता है लेकिन ये सोया रहता है। ये ना होमवर्क करके आता है, ना कोई पोजीशन लेता है, क्लास वर्क तो बिल्कुल करता ही नहीं है ना। इतना सुस्त है? और स्पोर्ट में नीचे से पोजीशन इसकी पक्की होती है। अच्छा, एग्जाम में नीचे से पोजीशन इसकी पक्की होती है। अगर मैं इसे घर लेगा तो पूरे घर को सुस्त कर देगा। मैं बिल्कुल ले लूंगा। और दिखाओ कोई। फिर आप अगला देखिए। अच्छा, ये है करप्ट पौधा। करप्ट पौधा? यहाँ पर भी करप्शन आ गई है? सर जी, कौन से जमाने में जी रहे हैं आज? ये तो सिर्फ पौधे हैं। इतनी करप्शन तो हम नहीं करते जितनी करप्शन ये कर रहा है, लग रहा है। इसकी खसूसियात भी आप सुनिए। अच्छा बताओ। ये होमवर्क में भी करप्शन करता है। इतनी करप्शन? आधा करके आता है, आधे में करप्ट, आधे में करप्शन खा जाता है, हड़प कर जाता है। ये बच्चों के पेंसिल भी ले लेता है, रेजर भी ले लेता है, शार्पनर भी ले लेता है। इतनी करप्शन? काली चीज की बात है। अच्छा, हमारे नर्सरी क्लास का बच्चा छोले खा रहा था, छोले। अच्छा, गया उसके पास और पूरा एक छोला ले लिया। एक छोला? और डकार भी नहीं लिया। उतना, कितनी बड़ी करप्शन की है? उतनी बड़ी करप्शन? और हफ्ते की बात है, एक हफ्ता गुजर गया। अच्छा, हमारा सिक्स क्लास का बच्चा रो रहा था, हमने पूछा क्यों रो रहे हो, कहता उसने हमारे मेरा रेजर ले लिया। उतनी बड़ी करप्शन? अगर मैं कार लेगा तो पूरी ये घर की करप्शन कर लेगा। नहीं मानूंगा। आप अगला देख। ये कौन सा पौधा है? ये जालिम पौधा है। जालिम पौधा? ये कैसा पौधा है? ये हर किसी पर जुल्म करता है। इतना जालिम? जुल्म के पहाड़ तोड़ता है। ये इन सब का सरदार है। इतना जुल्म? इसकी खसूसियात सुने आप, फिर आपका क्या होगा? मेरा हाथ फेल हो गया, मेरा खैर है। ये हर किसी पर जुल्म करता है। अच्छा? ये बच्चों पर जुल्म करता है, कैंटीन वाले अंकल पर, पैसे ही नहीं देता उसे। चौकीदार इसे रोकता रहता है लेकिन ये नहीं रुकता। ये बच्चों को खेलने नहीं देता, उनका स्पोर्ट का सामान सारा ले लेता है, जैसे फुटबॉल हो गया, क्रिकेट बैट हो गए। और एक और इसका कारनामा, ये खुद लंच लाता नहीं है लेकिन बच्चों से टिफिन खींच कर खुद खा जाता है। और मत बताना, मेरा हाथ फेल हो जाएगा, मैं बिल्कुल नहीं लूंगा। कोई और दिखाओ भाई। ये गारंटी 100% की है। वाह, ये आप खरीदेंगे। अच्छा, इसकी क्या खासियत है? ये है ज़हीन पौधा। ज़हीन पौधा? वाह, क्या पौधा है! शादी हाथ ना लगाए मुरझा जाएगा। अच्छा, खैर है। इसकी खासियत ये है कि टीचर जो काम देती है ये करके आता है, होमवर्क, क्लास वर्क में तो सारा काम करता है, टीचर नहीं देती फिर भी करता है। ये अभी भी लिख रहा है। ये स्पोर्ट में अव्वल नंबर लेता है ऊपर से। अच्छा, ये एग्जाम में अव्वल नंबर लेता है ऊपर से। ये फंक्शन में भरपूर तैयारी कर रहे हैं। शख्सियत से मिलाना चाहता हूँ जो अभी अभी अमेरिका का दौरा कर आ रहे हैं। आपकी तालियों में इस्तकबाल जनाब मोहम्मद अली हसन। आइए। अस्सलाम वालेकुम। आइए बैठिए प्लीज। हमें पता चला है कि आप अभी अभी अमेरिका का दौरा कर आ रहे हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। तो आप वहाँ किस चीज पर गए थे? यार, उस थिकड़ क्लास मुल्क में मैं थिकड़ झाड़ू पर जाता। अच्छा, उससे अच्छी तो हमारी कलंदरी बस है, उसी पर गया था। वाह, क्या बात है! तो फिर जब आप वहाँ पहुँचे तो सबसे पहले आपने क्या देखा? वहाँ जब मैं पहुँचा तो मैंने देखा कि एक चिंची वाला खड़ा है। चिंची वाला? जी हाँ। मैं थोड़ा सा आगे गया तो उसने मुझे आवाज लगाई, उसने कहा सर आ जाए, हमारे प्रेसिडेंट ने आपके लिए रिक्शा भेजा। रिक्शा भेजा आपको उसने लिए? जी हाँ। और ही थे। अच्छा, मैं बैठ गया।
वहाँ मुझे उन्होंने मुझे व्हाइट हाउस में छोड़ा। व्हाइट हाउस, वो जो व्हाइट हाउस नाम का व्हाइट हाउस है, ब्लैक हाउस था अंदर से। हमने सुने वो बहुत शानदार हाउस है, बहुत अंदर से यार थिकर हाउस है, ढेरियां लगी पड़ी थी यहाँ। अच्छा, इतना गंदा था। रिक्शे वाले ने मुझे कहा अंदर चले जाए, मैं अंदर चला गया। मैं अंदर गया तो एक बड़ी सी कुर्सी पर एक पित्तू सा काला सांड बैठा था। वो कौन था बता तुम। मैंने उसे कहा, ओए कालू तू यहाँ क्या कर रहा है? उसने कहा, सर आराम से बात कीजिए, मैं यहाँ का प्रेसिडेंट हूँ। प्रेसिडेंट था वो? यार मामा, ओ पित्तू कालू से वहाँ क्या कर रहा था? पता नहीं यार, कहता मैं प्रेसिडेंट हूँ यहाँ। अच्छा चलो। मैंने कहा क्या काम है? उसने कहा कि हम बहुत गरीब हो चुके हैं। अच्छा। आप अपने मुल्क से कहे कि हमारी इमदाद करवाएं। अच्छा, फिर आपने क्या किया? मैंने कहा, ओए कालू तुझे उस वक्त नहीं शर्म आई जब तूने हमारे मुल्क में ड्रोन हमले करवाए? अच्छा। मतलब भारत की, उस वक्त तुझे नहीं शर्म आई? आपने बिल्कुल ठीक कहा। और फिर क्या हुआ? फिर वो रोने लगा। फिर मैंने कहा, चलो तुम मुसलमान नहीं है, तुम है तो मुसलमान का बेटा। अच्छा। मैंने कहा कि मैं अपने मुल्क का मुल्क वालों से बात करूंगा। अच्छा, फिर आपने क्या? फिर मैं बाहर निकलने के लिए, बाहर निकला ही सही, उसने मुझे रोक लिया। अच्छा। उसने कहा कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा मैं अपने अंकल चाचा शेर खान के पास जा रहा हूँ। वो कहाँ रहे थे आपके चाचा शेर खान? वो वही थोड़ी सी दूर रहते थे। अच्छा। वो थोड़ी देर सोचता रहा, फिर एक फोन किया और टांगा मंगवाया। टांगा? जी हाँ, गरीब मुल्क था। अच्छा अच्छा। फिर मैं बैठ गया खुशी से। अच्छा। मैं आगे थोड़ा सा गया, उनकी छुट्टी चुपट्टी सी हिरली करंटन आ गई। अच्छा अच्छा, वो कहाँ से आ गई? वो बस गरीब गरीबों वाला कपड़े पहने हुए थे उसने। अच्छा। और बैठ गई, कहने लगी 10 रुपए देगा तुम्हारा अंकल क्लिंटन, घर बहुत भूखा बैठा है। अच्छा। उसके लिए मैंने 2 तंदूर से रोटियां लेनी है। अच्छा। मैंने उसे 10 रुपए दे दिए। जब 10 रुपए दिए तो उसे मैंने उससे जान छुड़ा दी। वो नीचे उतर गई। अच्छा। फिर थोड़ी देर के बाद मुझे ख्याल आया कि मेरे सीट पर मोबाइल पड़ा था। अच्छा। मैंने देखा कि वो नहीं था। वो भी ले गई? जी हाँ, 10 रुपए भी ले गई, एक मोबाइल फोन। 10 रुपए भी ले गई और एक मोबाइल फोन भी ले गई? जी हाँ, गरीब थे। अच्छा, इतनी चोरी कर रहे हैं वो? फिर क्या हुआ? फिर मेरी आँख खुल गई। ओह तेरी। फिर मैंने उस वक्त अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह ये मेरा ख्वाब सच हो जाए, उनका मुल्क गरीब हो जाए, हमारा मुल्क अमीर हो जाए। इंशाल्लाह एक दिन ये जरूर आएगा कि उनका मुल्क गरीब हो जाएगा। ज्यादा चाहूंगा। बिल्कुल। हाथों में अपने लेके हाथ चल पड़े हैं सबके साथ, मंजिल पे ना कोई गुमान, हम सबका रोशन पाकिस्तान। हाथों में पकड़ेंगे किताब, ढूंढ लेंगे सारे जवाब, इल्म बन जाएगा हमारी पहचान, हम सब हर तरफ हो रोशनी, मिले हमें तो हर खुशी, हो इस अजम के हम पासबान, हर तरफ हरियाली, हर तरफ खुशहाली, पूरे हो तुम्हारे सब अरमान। Thank you.
थैंक यू सर। हाथों में अपने लेके हाथ चल पड़े हैं सबके साथ, मंजिल पे ना कोई घुमा, हम सब का रोशन पाकिस्तान रोशन है।